दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा पर गुजरने वाले स्थानीय वाहनों से टोल वसूली की जाती है। इसका विरोध प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया और पत्र लिखकर टोल वसूली करने वाली निजी कंपनी से टोल नहीं वसूलने की मांग की थी, मगर लगातार वसूली जारी रही। इसके बाद कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने टोल वसूली करने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले 7 वाहनों को टोल वसूली करने वाली निजी कंपनी ने मुक्त किया। इन वाहनों को टोल की राशि नहीं पटाने के कारण जब्त कर लिया गया था। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने टोल मुक्त करने की मांग की और नहीं किए जाने पर आंदोलन किया। हम लोग यहाँ पर दुर्ग के स्थानीय निवासियों का CG07 जो रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों के गाड़ियों को टोल से मुक्त किया जाए, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पत्रों के माध्यम से निरंतर हम लोग टोल कंपनी से और जिला प्रशासन से, स्थानीय से, इस पर निरंतर कई सालों से संपर्क कर रहे हैं, बट ये नहीं हुआ। इधर टोल वसूली करने वाली निजी कंपनी के मैनेजर एच करुणाकर ने कहा कि अब CG07 नंबर वाले वाहनों से टोल प्लाजा में वसूली नहीं करने की घोषणा उन्होंने की है। इसके बाद स्थानीय वाहनों से वसूली नहीं की जाएगी। आज हम लोगों को कुछ लेटर्स आए थे कांग्रेस की तरफ से, तो हमने लगातार NHA को और कलेक्टर को भी इंफॉर्मेशन दिया है। लोकल गाड़ियों को फ्री छूट के लिए उनका मांग था, वही सेम लेटर से हम NHA को, कलेक्टर को आदेश दिया। उधर से कोई अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ शाम होने की वजह से। अपना कंपनी की तरफ से डिसीजन हुआ है कि CG07 को अभी फ्री करने के लिए। वहीं प्रदर्शन के दौरान टोल प्लाजा पर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ करने का आरोप पुलिस ने लगाया है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने कहा कि टोल प्लाजा में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये नेशनल हाईवे में जो लोकल गाड़ियां हैं 07 पासिंग की, उनका टोल माफ करने को लेकर के कुछ लोग एकत्रित हुए थे नेशनल हाईवे पर, और इस आंदोलन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की कुछ जानकारी सामने आई है। इसके संबंध में पूरी रिपोर्ट ली जा रही है, जो भी वहाँ आसपास कैमरे वगैरह हैं उनका भी फुटेज लिया जा रहा है, और जो लोगों ने कैमरे बनाए वीडियोज़ बनाए उसका भी फुटेज लिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली की जाती है, मगर दुर्ग में स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था और अब निजी कंपनी ने भी इनकी मांगें मान ली है।